हेलो गाइस, आई एम श्रीकांत एंड आई वेलकम यू ऑल टू बैंकर्स लैब। मैं श्रीकांत बैंकर्स लैब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, मैंने एसबीआई पीओ का जो एग्जाम हुआ आज के दिन ही, मतलब आज फर्स्ट ऑफ जुलाई यानी डॉक्टर्स डे। सो आज हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल ऑफ द डॉक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट, डॉक्टर्स तो होंगे नहीं मेरे चैनल पे क्योंकि सभी जो है अदर ग्रेजुएट्स होते हैं, प्लेन ग्रेजुएट्स। सो आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो स्पेशली एसबीआई पीओ का जो एग्जाम हुआ उसका एनालिसिस करने के लिए मैं ये बना रहा हूँ, और जिनका एग्जाम बाकी है उनको थोड़ा सा हेल्प हो कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए बना रहा हूँ। तो एसबीआई पीओ का जो एग्जाम हुआ है आज के दिन में तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मतलब पिछले ईयर तो काफी डिफिकल्ट था एग्जाम, इस साल उससे तो ईजी ही था, लेकिन इस साल थोड़ा सा पैटर्न चेंज था। वो पैटर्न चेंज ये था कि मतलब सेक्शनल टाइमिंग दिए गए थे, पिछले साल वो नहीं थे, ठीक है। फिर भी पिछले साल का कट ऑफ जो था 50 था और इस साल भी 50 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे पॉइंट्स मेरे पास आपसे डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, जैसे कि आने वाला जिनका एग्जाम बाकी है उनको क्या करना चाहिए, कट ऑफ क्यों कम होगा, ये सभी चीजें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। और आज के एग्जाम में क्यों कट ऑफ कम होगा उसके तीनों सेक्शंस में जो रीजन थे वो मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास, मैंने सभी यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, तो उसमें देख के मैं बताऊंगा। सो प्लीज नोबडी विल क्रिटिसाइज मी। और अगर मैं कट ऑफ कुछ ज्यादा या फिर कई लोगों को अगर मैं कट ऑफ बता दूं कि 50 है तो उतना ही कट ऑफ कई लोगों को बहुत ज्यादा लगता है और वही कट ऑफ कई लोगों को बहुत कम लगता है, तो वो शुरू हो जाते हैं मेरे चैनल पे आके गंदी गंदी गालियां देने और क्रिटिसाइज करने। तो वो नहीं करना है, पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आए तो छोड़ के चले जाओ। क्यों क्यों मतलब क्यों आप लोग ये करते हो, कोई जरूरत नहीं ना गाली वगैरह देने की। राइट, गर्ल्स भी होते हैं चैनल पे और वो सभी भी वो मतलब वो कमेंट कैसे कर पाएंगे अगर इतने गंदे गंदे कमेंट ऑलरेडी अगर चैनल पे है तो। सो प्लीज डोंट डू दैट, सभी पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। सो गाइज, सबसे पहला पॉइंट ये है कि 55 प्लस सेफ अटेम्प्ट। कोई भी बंदा अगर 55 के ऊपर अगर अटेम्प्ट करके आता है और उसकी एक्यूरेसी अगर अच्छी है, मतलब 50 मार्क्स अगर ले लेता है, 50 के ऊपर तो कट ऑफ जाएगा ही, लेकिन अगर वो कहता है कि उसको 50 या 52 मार्क्स आ जाएंगे तो सेफ है, बिल्कुल सेफ है। मेरी गारंटी है कि 50 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा इस बार। सेक्शनल कट ऑफ भी पैटर्न चेंज है, बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज देखा गया। सो 50 से ऊपर तो जाएगा नहीं कट ऑफ, 55 प्लस करके आओ, ज्यादा से ज्यादा 60 करके आओ, ठीक है। 60 अटेम्प्ट करके आओ, उससे ज्यादा मत करो। और जो लोग मतलब दूसरा पॉइंट मेरा जो डिस्कशन करा वो ये था कि बहुत से लोग जो है आपको डिमोटिवेट करते हैं, और वो कैसे डिमोटिवेट करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने 70 अटेम्प्ट किया, मैंने 80 किया, 90 किया। ये जो 70, 80 और 90 अटेम्प्ट वाले जो है ना, तो इनका रिजल्ट आने के बाद इनको जाके आप रिजल्ट पूछना। अगर आपको कोई कहता है कि मैंने 70 का अटेम्प्ट किया, 80 का अटेम्प्ट किया, 90 का किया, तो जाओ रिजल्ट की डेट पे और उनको पूछो उनका रिजल्ट, और अगर नहीं होगा उसको, नहीं हुआ ना उसका क्लियर, तो उसको चमड़ भी रख के देना। तो क्या है फिर, मतलब क्यों आप लोग दूसरों को डिमोटिवेट करते हो। राइट, तो अगर कोई 70 करके आया और आप भी जाओगे तो आप सोचोगे कि यार मुझे 70 करना है, 70 करना है, और आपका अगर 70 नहीं हो पा रहा, जैसे अगर आपका 50 या 55 हो रहा है, 60 हो रहा है, तो बाकी के 10 जो है वो अटेम्प्ट कवर करने के लिए आप तुक्का मारना शुरू कर देते हो, गेस वर्क करना शुरू कर देते हो, मैल प्रैक्टिस शुरू कर देते हो, तो ये इसमें आपका नुकसान हो जाता है। आपकी जो स्ट्रैटेजी आपने डिसाइड की थी वो कर दिया, 55 प्लस इनफ, उसे ज्यादा मत जाओ, ठीक है। और अगली बात, अगला पॉइंट जो है वो ये है कि इंग्लिश जो सेक्शन था थोड़ा सा अलग आया था इस बार, पैटर्न चेंज था, लेकिन डायरेक्शंस अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही इजी था, ठीक है। सिर्फ चीज इतनी थी कि आपको पढ़ना था डायरेक्शंस, जो कुछ भी डायरेक्शंस उसमें दिए गए हैं वो आपको पढ़ना था। अगर वो आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर उसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, बहुत ही क्वेश्चंस बहुत इजी थे, सिर्फ डायरेक्शंस ही डिफिकल्ट थे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इंग्लिश के क्वेश्चंस इजी लेवल के थे और जो डायरेक्शंस थे वो मॉडरेट लेवल के थे। अगर आपको डायरेक्शन समझ में आए तो फिर बस बात बन गई, इंग्लिश में आप 25 तक अटेम्प्ट कर सकते हो। एक आम से आम बंदा, नॉर्मल बंदा जो कि ज्यादा अच्छा नहीं है इंग्लिश में, जिसका स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, वो भी 20-22 तो कर ही लेता था आज के एग्जाम में। तो अगर कुछ लोगों का एग्जाम बाकी है इस वीडियो के बाद में, तो उनको मेरा एक सजेशन रहेगा कि जाओ और सीधे सीधे एक काम करो, सिर्फ कि इंग्लिश का जो है डायरेक्शंस पढ़ लो, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि डायरेक्शन नहीं समझ में आया तो आपका टाइम वेस्ट होगा वगैरह वगैरह, लेकिन पढ़ लो, अच्छा है, ठीक है। एक क्वेश्चन उसमें था, उसमें ए बी सी ऐसे तीन क्वेश्चंस दिए हुए थे और तीन स्टेटमेंट्स दिए गए थे, सेंटेंसेस ए बी सी, और दूसरी साइड में था डी ई एफ। तो तीनों जो सेंटेंसेस थे, ये ग्रुप था तीन का, ये ग्रुप था तीन का, और ये जो ग्रुप्स थे इनमें से ए बी सी और ये था डी ई एफ, तो इनमें से ए और एफ का शायद मैच होता था, मतलब वो एक ही सेंटेंस था जिसको डिवाइड करके दो में रखा गया था।
तो आपको मैच फाइंड करना था पेयर। तो अगर आपने वो अगर पढ़ लिया होता डायरेक्शंस तो वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि कई सारे इसमें टू जो है मतलब टीओ जो टू होता है प्रपोजिशन, उसके सामने कुछ अलग ही था। आप सभी को पता है कि उसके सामने वर्ब आना चाहिए मतलब ज्यादातर के केसेस में, और जैसे हैड था हैड के सामने वी3 आना चाहिए। तो ऐसे कुछ जो इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से एक मतलब कुछ कंसेप्ट है जिससे आप वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था उसमें। इवन पैराग्राफ्स भी बहुत ईजी थे। तो मेरा खुद का 23 अटेम्प्ट है इंग्लिश में, क्योंकि मैं एक्यूरेसी मेंटेन करता हूं तो मैं ज्यादा तुक्के वगैरह गेस वगैरह लगाता नहीं हूं। ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट 53 हुआ है, क्योंकि मेरा कॉन्ट सेक्शन थोड़ा वीक है और मेरी कॉन्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, मेरे को एक DI मिला ही नहीं उसमें, मिला ही नहीं मतलब टाइम ही नहीं बचा मेरे पास। तो मैंने वो गलती की, आप सभी वो गलती मत करना, ठीक है। तो क्वांट का भी मैं बताता हूँ। क्वांट का देखिए, 2 DI आए थे उसमें, बहुत ही इजी लेवल के DI थे। एक तो मैंने देखा था और दूसरे को मैंने आखिरी एक मिनट में देखा, लेकिन उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। सो हार्ड डे, बैड लक फॉर मी टुडे, अच्छा दिन नहीं गया मेरा आज का। सो गाइज एनीवेज, मैंने जो गलती की आप नहीं करना है, आप जाके उसको अच्छे से अटेम्प्ट करते हो। मेरा एक क्वांट में तो सिर्फ 11 ही अटेम्प्ट हुआ, जो नंबर सीरीज उसको तो देखना भी मत, क्योंकि वो नंबर सीरीज जो है, अगर नंबर सीरीज आता है तो ठीक है, अगर लेकिन राउंड नंबर फाइंड करना है ऐसा कुछ आता है तो मिसिंग नंबर फाइंड करना है तो इट्स ओके, लेकिन अगर पूरे नंबर दिए और उसमें अगर राउंड नंबर फाइंड करने को कहा जाए तो प्लीज मत करिएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और बहुत टाइम वेस्ट होता है, एक मिनट लग जाता है, कभी कभी तो आंसर आता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, आपको समझता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी आगे वाला नंबर गलत है कि पीछे वाला नंबर गलत है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है उसमें। तो प्लीज वो मत करो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 मिनट है और आपको 20 मिनट में 20 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो एक मिनट तो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते किसी भी क्वेश्चन को। सो क्वांट में जाइए, DI फाइंड करिए, दोनों DI में 10 मार्क तो आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी है, कोई भी क्वेश्चन उसमें डिफिकल्ट नहीं है, मतलब इतना ईजी दिया है तो मैंने SBFEO के एग्जाम में आज तक नहीं देखा। मेरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट है, तो तीसरा अटेम्प्ट है मेरा, तो इतना तो था नहीं उसमें। तो एनीवेज DI कर लो, और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वो तो चिंदी क्वेश्चंस, इतने चिंदी थे कुछ था ही नहीं उसमें करने जैसा, आप बस उसको ओरली भी, मैंने तो एक दो ओरली भी सॉल्व किए थे, तो फिर भी लेकिन कॉन्ट सेक्शन जिनका स्ट्रांग है उनको तो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है, मेरा तो स्ट्रांग नहीं है मेरा भी ऑनेस्टली राइट। बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने 65 अटेम्प्ट किया वगैरह वगैरह और रिजल्ट आने के बाद मैं बोल दूं कि मैं SBFEO इन हो गया, ऐसा नहीं करता हूं मैं। मेरा 53 का अटेम्प्ट हुआ है, क्वांट का 11, रीजनिंग का 20 और इसका अपना इंग्लिश का 23, रीजनिंग का 19 ही होता, आखिरी क्वेश्चन मेरा क्लिक नहीं होता, तो 19, 23 और 11 ऐसा कुछ, तो 53 अटेम्प्ट हुआ मेरा, 53 या 54 याद नहीं मुझे, मैंने देखा नहीं था अच्छे से वो बाद में, क्योंकि मेरा खराब गया तो मैंने कुछ देखा ही नहीं था। एनीवेज तो क्वांट में ये करना है आपको, DI कर लो दोनों और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कर लो, बाद में आएगा रीजनिंग का पार्ट। तो रीजनिंग के पार्ट में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि रीजनिंग के पार्ट में जो SBI के लेवल के जो ये होते हैं ना, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनमें एक ही क्वेश्चन पे 5 questions पूछे जाते हैं एक ही डायरेक्शन पे, तो वो मत करना पहले, पहले जो जो सिंगल क्वेश्चन से सेपरेट क्वेश्चन से वो कर लो, और उसके बाद में जो कुछ भी पजल वगैरह है तो आपको अगर टाइम मिलता है तो सॉल्व करो, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है उसमें, एक हद पजल वगैरह सेटिंग अरेंजमेंट आपको करना ही पड़ेगा अटेम्प्ट कवर करने के लिए। तो एनीवेज सो मेरा अटेम्प्ट थोड़ा कम हुआ था, क्योंकि रीजनिंग में भी इनपुट जो इनपुट आउटपुट जो क्वेश्चन था मैंने वो थोड़ा सा गलत समझ लिया था तो नहीं हो पाया। एनीवेज तो अब उस पर भी क्रिटिसाइज मत करना कि खुद 53 करके आए और हमको ज्ञान दे रहा है वगैरह वगैरह, तो क्योंकि अब मैं ऑनेस्ट हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे क्रिटिसाइज करो, ठीक है। जो सही बात है वो मैंने बता दी, मैं आपको बता सकता था कि मेरा 65 अटेम्प्ट हुआ, 75 वो मैं नहीं करता, वो बाकी यूट्यूबर्स उनको लाइक्स चाहिए या व्यूज चाहिए तो करते होंगे, मैं नहीं करता, मैं जो सही है वो बता दिया आपको, स्ट्रेटेजी बताइए एटलीस्ट मेरे चैनल पे, अगर किसी को फायदा हो गया, किसी को एक आध का क्रैक हो गया एग्जाम तो इट्स ओके, डिसलाइक्स बहुत आते हैं मेरे वीडियोस को मुझे पता है। एनीवेज जैसे IBPS क्लर्क का मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, बहुत ज्यादा हाई प्रेडिक्ट किया था, इतने सारे गंदे गंदे कमेंट्स आए मुझे, इतने सारे डिसलाइक्स आए, जितने लाइक्स थे उससे ज्यादा तो डिसलाइक्स थे, लेकिन आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा मेरा IBPS क्लर्क वाला, आप उसमें देख सकते हो कि एक से एक स्टेट का कट ऑफ, स्टेट वाइज दिया था मैंने वो, हर एक स्टेट का कट ऑफ वही रेंज में था, और मैंने कोई 5 या 10 marks की मार्जिन नहीं रखी थी, मैंने सिर्फ 3 marks की, 72 to 75, 78 to 80 ऐसी मार्जिन रखी थी, बहुत ही छोटी मार्जिन थी, इतनी छोटी मार्जिन में भी मैंने एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि मैं खुद एग्जाम में जाता हूं तो मुझे पता है कि कैसा एग्जाम था, लेवल क्या था वगैरह वगैरह। तो मैं कुछ भी मतलब आपको बहलाने के लिए मैं बोल दूं कि 45 का कट ऑफ रहेगा, 35 का रहेगा, लेकिन आप मानना चाहिए ना, तो वो मेरी नियत नहीं है, मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं। सो एनीवेज
बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्जाम बाकी है। तो ये था आज का। तो गाइस सिर्फ इतना करना है कि इंग्लिश में डायरेक्शन अच्छे से पढ़ो, क्वांट में जाएंगे तो क्वांट में डीआई कर लो दोनों, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कर लो, बाद में टाइम बचता है तो कमर्शियल मैथ्स कर लो। कमर्शियल मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ये सब करेंगे तो कमर्शियल मैथ्स तक जा भी नहीं पाएंगे। पहली बात 20-25 क्वेश्चन तो नंबर सीरीज डीआई सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन बन के हो जाते हैं। अगर फिर भी आपका होता है तो आई मीन यू आर स्ट्रॉन्ग इन क्वांट, अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो फिर बाद में आप कमर्शियल मैथ्स को देख भी सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कमर्शियल मैथ इजी है, आप उसको 30 सेकंड अंदर सॉल्व करते हो, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। मेरी की यूज करेंगे, कोई भी दूसरे की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो ऑब्वियसली फेल ही होने वाले। अपनी खुद की स्ट्रेटेजी हो तो फिर आप उस एग्जाम में क्या कर सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं। क्वांट का हो गया, डीआई नंबर सीरीज वगैरह वगैरह, और रीजनिंग का जो सेपरेट क्वेश्चन है वो पहले अटेम्प्ट कर लो, और बीच में अगर एक हाथ पजल आपको लग जाए कि आप इसको क्लियर कर सकते हैं तो वो कर लो। और पहली बात तो ये कि जिस टाइप के पजल में आप मतलब जिस टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट या पजल में आप अच्छे हो वही सॉल्व करो। लाइक आपको अगर लीनियर अच्छा लगता है तो लीनियर सॉल्व करो, आपको सर्कुलर अच्छा लगता है तो सर्कुलर सॉल्व करो, ठीक है ना। जिसमें आप स्ट्रांग हो, जो आपको आसानी से हो जाता है क्लियर, उसको सॉल्व करो, बाकी मत करो। आई मीन इतना तो टाइम नहीं है, 20-20 मिनट का टाइम है। और इस साल डेफिनेटली कट ऑफ तो थोड़ा कम रहेगा, इसलिए नहीं कि मेरा अटेम्प्ट कम हुआ है, क्योंकि मेरा अटेम्प्ट तो 55 हुआ है, और उसमें भी मैंने क्वांट में थोड़ा टेंशन में आके एक दो तुक्के लगा दिए, तो 47 टू 48 का स्कोर आ जाएगा मेरा। लेकिन उसमें मुझे पता है कि नहीं होगा, क्योंकि 45 टू 50 का रेंजिंग कट ऑफ रहेगा, और अगर मेरा और एक दूसरा क्वेश्चन इधर उधर गड़बड़ होगा तो होने वाला तो नहीं है। लेकिन होप फॉर द गुड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, क्योंकि आप जो मेंस के लिए पढ़ाई करेंगे वो जाया तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अब सीजन शुरू होने वाला एग्जाम्स का, राइट। सीजन यानी यू नो आईबीपीएस के एग्जाम आएंगे, आरआरबी से सभी, आरआरबी का आज आखिरी डेट है बाय द वे। अगर आपका अभी तक फॉर्म भरना रह गया और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज भर लीजिएगा आज, यानी इस डेट पे। वीडियो की अपलोडिंग डेट है 5 जुलाई, देख लो, नहीं तो बाद में वापस क्रिटिसाइज करेंगे कि आज आखिरी डेट नहीं है, आरआरबी का चला गया। क्रिटिसाइजर्स का कुछ भी नहीं कह सकता मैं, वो कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। तो एनीवेज ज्यादा नहीं पकाऊंगा, ये था आज का एनालिसिस। 50 का कट ऑफ कंसिडर कर लीजिए, अगर आप 55 प्लस है अटेम्प्ट, 50 से ऊपर स्कोर आ रहा है तो सब कुछ छोड़ दीजिए और शुरू कर दीजिए मेंस के लिए प्रिपेरेशन करने को। और आपको अगर कोई बोले आके कि 60 और 65 का कट ऑफ जाने वाला है तो उसको रिजल्ट के दिन मिल जाए और उसको बोलना कि मैंने तेरे वजह से मेंस की पढ़ाई नहीं की, तो सही है ना, क्योंकि खाली फोकट डिमोटिवेट कर रहा है आपको। और जो 70 वाले 80 वाले जो अटेम्प्ट वाले ना, उनको तो आप रिजल्ट के दिन जरूर मिलना, सिलेक्ट हो गया तो भाई उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करके आप अच्छा अटेम्प्ट कर रहे बनना। अगर नहीं सिलेक्ट हो रहा, नहीं वो क्रैक कर पा रहा है प्रिलिमिनरी एग्जाम, तो फिर उसको एक चमाट मार के जरूर आना, मेरी तरफ से भी एक दो लगा गया। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट जिनका एग्जाम बाकी है, और जिनका हो गया टेंशन मत लो, हो जाएगा। और बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहना, एक चली गई दूसरी एग्जाम है, होता है ऐसा कभी कभी कि आप वेल प्रिपेयर होने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, मेरा भी हुआ जैसे आज, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। अगली एग्जाम में अपनी एक सीट रिजर्व है, ये समझ के फिर से शुरू हो जाना है पढ़ाई करने की, बस दम लगा देना है, जान लगा देना है। इस बार 2018 में एक सीट निकाल लेना, अगली बार सीईटी आने वाली है तो नहीं होगा, तो सब पैटर्न चेंज हो जाएगा। एसएससी सीजीएल रेलवे बैंकिंग ये सब अगर एक करेंगे तो आप देख सकते हो कितना पैटर्न, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो गया तो हम इतना टेंशन में आ जाते हैं, कुछ समझता नहीं क्या करना है। तो सोचो अगर बहुत ज्यादा चेंज हो जाए तो फिर कैसे आप क्रैक कर पाओगे। तो जो जिनका 3-4 साल से ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका तो लग गया, क्योंकि उनको तो पूरा फिर से शुरू करना पड़ेगा, पैटर्न भी पता नहीं होगा क्या होगा। तो इसीलिए 2018 आखिरी मौका है, जान लगा दो, मेहनत करो और इस साल बन जाओ, पीओ बन जाओ, क्लर्क बन जाओ, जो बनना है बन जाओ, आपको जो बनना है वो बन जाओ, लेकिन इसी साल बन जाओ, अगले साल के लिए वेट मत करो। जो नए बंदे उनको भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप अभी आए तो फ्लो में है, 2-3 महीने अच्छे से पढ़ाई करो और निकल जाओ, दल दल में फंस जाओगे अगर इस साल नहीं निकलोगे। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं आपको, मैं मोटिवेट कर रहा हूं उल्टा कि इसी साल कर लो, ओके। एनीवेज अगर किसी को बुरा लगा तो आई अपोलोजाइज, पहले ही सॉरी बोल देता हूं। थैंक यू सो मच।